हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेम विच यू एंजॉय द मोस्ट, द गेम ऑफ एल्कोहल्स। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक सवाल। इस चैनल की स्पेशलिटी क्या है, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और यही मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल की जो स्पेशलिटी है वो है छिपे हुए नगीने लाना और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना और ऑनेस्ट रिव्यू करना। ये जो आपने बात कही, इसी बात पे बेस्ड है हमारा आज का विस्की रिव्यू। ऑब्वियसली एक नगीना तो हम आपके लिए लाए हैं, लेकिन 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 स्किप मत करना और ना ही किसी और वीडियो पे जंप अप करना। पता है क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल विस्की रिव्यू नहीं है, ये कन्वर्ट होने वाला है महा दंगल में, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग स्कॉच ब्लेंडेड स्कॉच। बिल्कुल बिल्कुल 100%। इसमें 22 स्कॉच विस्कीज का ब्लेंड है, क्योंकि ये एक नॉर्मल विस्की रिव्यू नहीं है। अब देखते हैं मेरा प्लेयर क्या करता है। टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज टैमरलेन ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की बोला है तो नेचुरल है, ये 3 साल के लिए तो एज कराई हुई है, और दूसरा इसमें 22 स्कॉच विस्कीज का ब्लेंड है। बिल्कुल। अब इसमें जो 22 विस्कीज का जो ब्लेंड है उसमें मेजॉरिटी विस्कीज जो है स्पेसाइड रीजन से बिलोंग करती हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी फ्रूटीनेस, लेस ऑफ स्मोक। देखते हैं ये जो अभी एक एक्सपेक्टेशन सेट हुई है उस पर खरी उतरती है या नहीं। अब अगर हम बॉक्स की बात करें तो बॉक्स की जो क्वालिटी है, कंसिडरिंग द प्राइस, इट इज़ वेरी वेरी गुड। और अगर हम इसके लोगो की बात करें, जो आप देख सकते हैं, बेसिकली एक हॉर्स है और हॉर्स के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जिसने बो एंड एरो पकड़ा हुआ है। इसकी अगर हम बात करें तो अगेन फॉन्ट्स यूज्ड, कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ बहुत अच्छा है, बॉक्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और टैमरलेन, इस नाम की एक अपनी ही एक हिस्ट्री है। टैमरलेन का मतलब होता है द पर्सन हु रूल्स और कमांड्स। तैमूर का नाम आपने सुना होगा, जो सैफ अली खान ने अपने बेटे का भी रखा है। इवन दो इंडिया में उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यादें नहीं है उस किंग से, अगर हम रिलेट करें तो एम्परर से रादर, तो एग्जैक्टली वही मीनिंग है टैमरलेन। ये जो नाम है इंग्लिश में तैमूर को भी दिया गया था। लोगों के बारे में हम बता चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि दिस इज़ बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड। अब चलते हैं बॉटल ओवरव्यू पे। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉटल की शेप काफ़ी अच्छी है, कॉमन है बट एवरग्रीन है, वुड रादर से। लेबल क्वालिटी इज टॉप नॉच, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इसकी ABV की बात करें इट इज़ 43%। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें, क्योंकि हमने गुड़गांव से ली थी, इसका प्राइस जो है 1100 रुपीज़ है फॉर 750 ml। ये एक बॉटल का ओवरव्यू आप देख सकते हैं, इस पर लोगोस आपको क्लियरली दिखेंगे, जो ये पर्टिकुलर लोगो है। दिस इज़ बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ टैमरलेन। अब चलते हैं पोरिंग पर। अब चलते हैं इसकी पोरिंग पर, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। क्यों नहीं होगे, नया प्लेयर है, नेचुरल है, आप एक्साइटमेंट तो होगी होगी। रुक जाओ, थम जाओ। क्यों भाई, क्या हम भी तो हैं, तो महादंगल कहां से शुरू करेंगे? आज तो हम भी तो अपना प्लेयर लाएंगे ना। रुको रुको, ये रहा हमारा प्लेयर, जो कि हमारी तरह ओल्ड इज गोल्ड और एवरग्रीन प्लेयर। कोई नहीं, हम भी नई जनरेशन के अंडरडॉग्स हैं, हम भी जैसे तैसे लड़ी लेंगे। ऐसे देखते हैं, इस महादंगल के लिए हमारा प्लेयर बहुत फेवरेट है, कोई नहीं, काफी लोगों को पसंद भी आई है। कोई नहीं, एक महारथी से लड़ने के लिए पहले एक कमजोर प्लेयर खड़ा होता है, फिर वो स्ट्रांग हो जाता है। अब चलते हैं हम इसकी नोजिंग पे। जब तक हम अपने नए प्लेयर की नोजिंग कर रहे हैं, आप अपने महारथी की पोरिंग कर लीजिए। पोर कर लेते हैं, हमें क्या, हमारा प्लेयर तो है ही है सुपर डुपर। ओके, नोज पे काफी मेलोड है फॉर श्योर, वनीला का जो एसेंस होता है वो फील हो रहा है, कोई भपका जैसी कोई फीलिंग नहीं है। मॉल्ट विस्कीज का जो एक एसेंस है, जो नोज पे एक फीलिंग आती है, वो डेफिनेटली फील हो रही है, और थोड़ी सी वुडीनेस भी फील हो रही है। नोज पे तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। अब इसके कलर और फ्लेवर के लिए एज पर आर रिचुअल चलते हैं फादर साहब के पास। चीटिंग मत करना कि अगर आपका प्लेयर है तो। देखो, अगर आप मेरे से कलर की बात करो तो मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। देखो, ये आपका प्लेयर हो या मेरा प्लेयर हो, मैं ऑनेस्टली जो भी इसके रिव्यूज दूंगा आपको वो जेन्युइन दूंगा।
ये नहीं आप सोचो कि मैं अपने प्लेयर को ज्यादा मार्क्स दूंगा या आपके प्लेयर को दूंगा तो वो चीज नहीं करूंगा। आप कलर की बात करें तो कलर तो ये हनी गोल्ड है, हनी गोल्ड, ठीक है। अब चलते हैं फ्लेवर पे इसके टेस्ट की, टेस्टिंग के लिए। इसमें मेरे को वुडीनेस फील हुई है थोड़ी सी, ओके, पहला फ्लेवर जो है डोमिनेंट और ये राउंडेड नहीं है, हल्की सी शार्प है, हल्की सी शार्प है, ओके, हल्की शार्प है। मैच हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता हुआ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हल्की फ्रूटीनेस भी है इसमें, ओके। और मैं अपने ऑडियंस को एक चीज और बताना चाहूंगा, एक बार मैंने घर पे मशरूम को वाइन के साथ कुक किया था, हाँ बिल्कुल, और वो मतलब ड्राई बनाया था मैंने, तो उसका फ्लेवर इससे थोड़ा मैच कर रहा है। अच्छा, मतलब एक हिंट उस फ्लेवर का भी, उस फ्लेवर का भी हिंट है, ओके। अब देखते हैं मेरा प्लेयर क्या करता है। हाँ, मेरा प्लेयर कौन सा बुरा था, ठीक है, बस वो जो थोड़ी सी शार्पनेस फील होगी ना वो थोड़ा सा काम खराब कर गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं, हो सकता है आपका प्लेयर ज़्यादा बेटर हो मेरे प्लेयर से, हो सकता है, वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे। बट एक खास बात मैं आपको बता दूँ, टेमरलेन जो है इवन दो इट इज़ अ ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड वाली जो विस्की है, इसका भी कलर वैसे सेम ऑलमोस्ट गोल्ड ही है, हाँ। वो थोड़ा हनी गोल्ड है, हाँ एग्जैक्टली, उससे थोड़ा लाइट है, हालांकि दोनों में आर्टिफिशियल कलर्स एडेड है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये दिस इज इम्पोर्टेड बाय एन इंडियन कंपनी ओनली। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो बिल्कुल फ्रूटी है, कोई हार्शनेस नहीं है, बिल्कुल मस्त, मतलब जो फ्लेवर होता है ना, तो आप इसका कंपैरिजन भी मेरे ख्याल में उस तक नहीं पहुंच पाएगा। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब मैं जो सपना दिख रहा था कि जो भी हमारे फेमस स्कॉटिश ब्रांड्स हैं, ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देखता हूँ अभी, मैंने एक सिप लिया, दूसरा भी तो ले लूँ। खैर ये तो है कि मतलब मैं चाहता था कोई नया प्लेयर ऐसा है जो पुराने प्लेयर्स को ऐसे डिसरप्ट करे मार्केट को, बट हनी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, मजा आया। अब अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की, या एक सम अप करना चाहें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए कि कैसा लगता है, देखो ऑडियंस को, हमारी फैमिली को नए प्लेयर का देखना पड़ता है, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्लेयर बेकार है आपका, हाँ जिसको वुडीनेस पसंद है वो जरूर ट्राई करें इसको, ठीक है। और वैसे देखो इसको तो देखो दुनिया पसंद करती है वैलेंटाइन, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ब्लेंडेड स्कॉच, बिल्कुल बिल्कुल 100% मैक्सिमम सेल है ये, और इंडियन पैलेट के अकॉर्डिंग ये बहुत सूटेबल विस्की है, मैक्सिमम इंडियंस को ये पसंद। और अगर देखो हमारे ऑडियंस में काफी पसंद भी करते हैं वैलेंटाइन को, तो अगर कोई नया प्लेयर पसंद करना चाहे, चेक करना चाहे, तो इसको जरूर ट्राई करें, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं ट्राई करना, ना हाथ लगाने वाली बात, हाँ। अब अगर हम रेटिंग की बात करें, वैलेंटाइन को हमने दिए थे 2.4, इसका 8.4, सॉरी 8.4 गलती हो गई, टेमरलेन को मैं 8.1 दूंगा, 8.1, हाँ नाइस। और अगर आप चाहें तो आप पूरा जो डिटेल रिव्यू है वैलेंटाइंस का वो आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो के एंड में भी आ जाएगा। सो अब इसको मिलते हैं 8.4, इसको मिलते हैं 8.1, तो आज के महादंगल का विनर है वैलेंटाइन। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो एक बहुत ही धमाकेदार इंडियन प्लेयर की आने वाली है, बिल्कुल अनडाउटेडली, मतलब एक हिंट दे देते हैं कि रॉयल चीज है, बड़ी बहुत ही रॉयल, रॉयल स्टैग नहीं है। और मेरे ख्याल हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी कहा भी था कि कोई इंडियन और ब्रांड लाओ, और ब्रांड लाओ, इसी वीडियो लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में कहा था, तो हम एक लेकर आए हैं। उस रिव्यू को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब और शेयर करो, शेयर करो जितना हो सके, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हम मस्त मस्त रील्स डाल रहे हैं, शॉर्ट्स भी हमारे देखते रहें, और रिमेंबर ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बट द क्लास, पीना भी एक कला है। टिल देन, चीयर्स।